और आगे बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम से बहुत बड़ी खबर, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज फिर से नंदीग्राम पहुंचेंगी जहां पैदल मार्च उनका होना है। और आपको बता दें कि पार्टी का घोषणा पत्र भी ममता बनर्जी जारी कर सकती है। तो देखिए, एक तो पैदल मार्च और दूसरा ये कहा जा रहा है आज की बड़ी खबर कि आज वो अपना घोषणा पत्र जारी कर सकती है। देखना होगा इस घोषणा पत्र में क्या कुछ ऐलान किए जाते हैं, कैसे यहाँ पर साधने की पूरी पूरी कोशिश की जाती है, लुभाने की जनता को क्या कुछ कोशिश होगी, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। क्योंकि जैसे घोषणा पत्र जारी होगा उसके बाद उस पर भी सियासी संग्राम छिड़ना तय है और ऐसे में ये देखना काफी दिलचस्प होगा। तो आज पैदल मार्च यहाँ पर ममता बनर्जी करेंगी। कल भी उन्होंने इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर किस तरीके से पैदल मार्च किया और महिलाओं को साफ तौर पर साधने की कोशिश की। तो नंदीग्राम की जंग जीतने के लिए ममता ने अब दांव चला है, भारी का ठप्पा हटाने को नंदीग्राम में नया ठिकाना बनाया गया है। आपको बता दें कि नंदीग्राम के बालटला में ममता के लिए घर तैयार किया गया है। बालटला में पूर्व सैनिक का घर दरअसल ममता का नया ठिकाना बनाया गया। तो देखिए, ये वो घर है जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं जहां पर अब ममता बनर्जी का नया ठिकाना बनाया गया है सीधा सीधा तौर पर, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी बाहर की ओर, ऐसे में इसको भुनाने के लिए कि नहीं वो भी नंदीग्राम की ही है तो यहीं पर वो रहेंगे, वही घर है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, 12 मार्च को नामांकन दाखिल करेंगे शुभेंदु अधिकारी, नंदीग्राम से पर्चा दाखिल करेंगे। दीदी के खिलाफ ताल ठोकेंगे शुभेंदु। तो देखिए, 12 मार्च को नामांकन शुभेंदु अधिकारी करेंगे। एक और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, नंदीग्राम से 12 मार्च को नामांकन अपना वो करेंगे। 10 मार्च को दीदी अपना नामांकन करेंगे और 12 मार्च को शुभेंदु अधिकारी अपना नामांकन करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बंग की जंग में किस तरीके से 12 मार्च ये तारीख है जब अब शुभेंदु अधिकारी अपना नामांकन करेंगे। 10 मार्च को यानी कि कल दीदी अपना नामांकन करेंगे और देखना होगा कि किस तरीके से ये नामांकन किया जाता है। हालांकि आपको ये भी बता दें कि सबकी नजरें लगातार इन तस्वीरों पर बनी रहेंगी। 12 मार्च की तारीख है जब यहां से ताल ठोकेंगे ऑफिशियली शुभेंदु अधिकारी। तो बहुत बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं बंग की जंग में 12 मार्च की तारीख तय की गई है जब नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी नामांकन करेंगे। और चलिए, एक और बहुत बड़ी खबर आपको बता दें कि शुभेंदु अधिकारी के लिए पीएम नरेंद्र मोदी उनके इलाके में चुनावी सभा कर सकते हैं। तो देखिए, बहुत बड़ी खबर है, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुभेंदु अधिकारी के लिए उनके इलाके में चुनावी सभा करेंगे, जनता से कहेंगे कि शुभेंदु अधिकारी को ज्यादा से ज्यादा वोट दीजिए और उनको यहां से जिताइए। तो बंग की जंग में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हमारे सहयोगी लगातार बंगाल के हर जगह से आप तक चुनाव को लेकर अपडेट पहुंचा रहे हैं। रमन हमारे सहयोगी नंदीग्राम से हाई प्रोफाइल सीट से जुड़ गए, श्वेता हमारी सहयोगी नंदीग्राम से हमारे साथ जुड़ गई है, इसके अलावा सरफराज हमारे सहयोगी कोलकाता से, रोहित हमारे सहयोगी कोलकाता से हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले रमन, आप ही का रुख करते हैं, नंदीग्राम दरअसल हाई प्रोफाइल सीट है और हाई प्रोफाइल और ज्यादा तब हो जाएगी जब पीएम नरेंद्र मोदी की सभा वहां पर होगी। जाहिर तौर पर ममता पर बरसते हुए एक बार फिर से पीएम मोदी नजर आएंगे, क्या जानकारी पीएम के दौरे को लेकर? देखिए अनुराग, बिल्कुल हाई प्रोफाइल सीट हो गई है और जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ आज यहाँ पर ममता दीदी पहुंचने वाली हैं और ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर हेलीपैड बनाया गया है जहाँ पर वो लैंड करेंगी और उसके बाद मंच भी यहाँ पर सजाया जा रहा है। ठीक सामने आप मंच देख सकते हैं, लगभग 4 बजे के करीब वो यहाँ पहुंचने वाली है। उसके बाद यहाँ से लगभग 500 मीटर की दूरी पर वो घर है जहाँ पर वो रहेंगी, कल नॉमिनेशन फाइल करेंगी। और अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो 12 तारीख को शुभेंदु अधिकारी मिथुन चक्रवर्ती के साथ यहाँ पर रोड शो करने वाले हैं। उसके बाद गृहमंत्री अमित शाह का भी यहाँ पर दौरा है और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी यहाँ आ सकते हैं नंदीग्राम में। तो ये लगातार पैक कर दिया गया है नंदीग्राम को भारतीय जनता पार्टी की भी तरफ से कि सोचने का संभलने का कोई मौका नहीं, बड़े बड़े नेताओं के दौरे, स्टार्स के दौरे और इस पूरे नंदीग्राम की ये जो पूरी लड़ाई है बेहद दिलचस्प होने वाली है। और इसीलिए ममता दीदी ने भी यहां पर घर ले लिया है और यहीं से इस पूरे कैंपेन को वो मैनेज करेंगी। जब भी वो यहां आएंगी इस घर पर रुकेंगी और इस वक्त यहां की तैयारियां मैं आपको दिखा देता हूं। तो एक बड़ा सा ग्राउंड है जो अभी तैयार किया जा रहा है, हेलीपैड यहां पर बन चुका है और मंच बनना अब शुरू हो चुका है। 4 बजे के करीब वो यहां पर पहुंचेंगे और उसके बाद एक जनसभा को यहां पर संबोधित करेंगी, उसके बाद वो घर में जाएंगी और आज उनका यहीं रुकने का इरादा है क्योंकि कल उनको नॉमिनेशन यहां पर फाइल करना है। तो ये बंग की जो जंग है उसमें नंदीग्राम बेहद दिलचस्प सीट यहां पर हो गई है क्योंकि यहां पे जीत और हार के बहुत बड़े मायने होंगे। जो भी नंदीग्राम को जीतेगा वो कोलकाता का बहुत बड़ा नेता उभर कर सामने आएगा क्योंकि बेहद दिलचस्प और बहुत बड़ी सीट ये जानकारी के साथ जुड़ गए। रोहित, लेकिन कोलकाता में आप जब मौजूद हैं जहां पर तमाम राजनीति की बिसात बिछाई जा रही है शहरी इलाके से, अगर हम आपसे समझने की कोशिश करें कि नंदीग्राम में अगर पीएम मोदी जाते हैं समीकरण क्या होंगे?
अनुराग एक बार सवाल अपना फिर से दोहराइएगा। रोहित, खबर है कि पीएम नरेंद्र मोदी भी नंदीग्राम जा सकते हैं। नंदीग्राम वो सीट है जहां पर ममता बनर्जी, शुभेंदु अधिकारी, दो बड़े दिग्गज पहले से मैदान में, जिनकी रैलियां हो ही रही हैं। अगर अब पीएम मोदी वहां पर रैली करेंगे या सभा को संबोधित करेंगे, क्या समीकरण हो सकते हैं? देखिए, समीकरण ही तो बदलने की पूरी सियासत चल रही है और कोलकाता के, पश्चिम बंगाल के इसी रंग को तुम दिखाने की कोशिश कर रहे हो। हालांकि नंदीग्राम के उस समीकरण को मैं समझाऊं उससे पहले देखिए, आज जी हिंदुस्तान दरअसल कोलकाता में हमारी टीम है, नंदीग्राम में हमारी टीम है, यानी बंगाल के हर कोने पे, और हर अलग अलग तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। लेकिन मैं जो हूँ, ट्राम की तस्वीर होगी, स्टीमर की तस्वीर होगी, और मैं जो है टांगा की सवारी के साथ आपको कलकत्ता का मिजाज क्या है वो दिखाऊंगा। ये टांगा होगा जिसकी सवारी यहाँ पे की जाती है, और उसके साथ इस पे चढ़कर ही कोलकाता के उस रंग को भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन आपने कहा नंदीग्राम में क्या समीकरण होगा, तो नंदीग्राम के समीकरण को समझना है तो इतना समझ लीजिए कि नंदीग्राम वो जगह जहां पे सीधे सीधे माना जाता था कि ये टीएमसी का किला है, वो किला जहां पे शुभेंदु अधिकारी एक ऐसा चेहरा है जिन्होंने पूरी की पूरी बागडोर तैयार की थी, जीत की पूरी एक खाका जिसे कहते हैं वो तैयार किया था, किसकी जीत के लिए, दीदी की जीत के। लेकिन इस बार समीकरण बदल गया, शुभेंदु अधिकारी इस बार टीएमसी के साथ नहीं है, शुभेंदु अधिकारी खुद इस बार कैंडिडेट ऐसे हैं जो सीधी चुनौती दे रहे हैं टीएमसी को। अब तक तो सब ठीक था, लेकिन यह कहा जा रहा था कि शुभेंदु अधिकारी के जाने के बाद टीएमसी को सबसे बड़ा डेंट लग सकता है, लेकिन क्या ऐसा हो पाया? तो सीधे तौर पर टीएमसी ने इसे नकार दिया, लेकिन नकारने के बाद अब दीदी ने इसे नाक की लड़ाई बनाई, और नाक की लड़ाई बनाने के बाद दीदी ने यह तय कर लिया कि दरअसल आपको वो तस्वीर दिखाते हैं जिसमें यह पता चल जाएगा कि टीएमसी या फिर ममता दीदी का कद जो है किसी एक व्यक्ति विशेष पर निर्धारित नहीं है। इसलिए ममता दीदी ने भी दरअसल वो गढ़ चुना जहां पर शुभेंदु अधिकारी की जीत अपने आप में यह मानी जा रही थी कि हाँ, अगर वो वहां से खड़े होते हैं तो वहां पर तमाम समीकरण उनके हिसाब से बैठेगा। इस पूरी भूमिका को लेकर अब जो है तैयारी ये की गई कि अब शुभेंदु अधिकारी क्या करेंगे, तो उनको सीधी चुनौती देने के लिए दीदी उतरती है। अब तक जो है वहां की सियासत, यहाँ वहां के समीकरण, मैं आपको थोड़ा सा ये दिखा दूं, ये वो ब्रिगेड ग्राउंड है जहां पे पीएम मोदी रैली करके गए थे, और अब जो है ये खबर मिल रही है कि पीएम मोदी वहां पे आते हैं। उस जनसैलाब को देखकर बिल्कुल ना भूलिए कि वो जनसैलाब ऐसा था जिसमें साफ तौर पर ये दिखा कि हाँ, तस्वीर बदल सकती है क्या बंगाल की, परिवर्तन हो सकता है क्या बंगाल में। ये परिवर्तन की तस्वीर अगर नंदीग्राम में जाती है तो हो सकता है कि वो तस्वीर वहां से भी बदले। ठीक है, बिल्कुल रोहित, और ये तस्वीरें भी बहुत जल्द स्पष्ट हो जाएंगी क्योंकि चुनाव बेहद करीब आ रहा है, क्योंकि श्वेता भी हमारे साथ बनी हुई है। श्वेता, अगर जब हम नंदीग्राम की बात करते हैं और अगर हम 2016 की बात करें, तब टीएमसी से शुभेंदु अधिकारी मैदान में थे, उस वक्त 135,000 वोट से वो जीते थे, और ऐसे में इस बार क्योंकि अब वो बीजेपी में आ चुके हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनके लिए यहां पर चुनाव प्रचार करेंगे, क्या लगता है जो सियासी गणित है वो कितना बदलेगा? सरफराज हमारे सहयोगी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सरफराज, पहले तो आप किस कल्चर को बंगाल को दिखाना चाह रहे हैं, जरा उसकी भी तस्वीर दिखाइएगा। साथ ही साथ अगर हम नंदीग्राम की गणित को लेकर सब कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं, एक तरफ पैदल मार्च, दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी की रैली, तीसरी तरफ पीएम मोदी का जाना, क्या देख पा रहे हैं वहां से, बंगाल का मिजाज क्या समझ पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं इस वक्त ट्राम में मौजूद हूँ। ये कलकत्ता की शान है, आन है, बान है, और कलकत्ता की पहचान है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँ जरा तस्वीरें दिखाइए। सबसे पहले ये देखिए, ये ट्राम के बिल्कुल अगली सीट पे मैं बैठा हूँ। ये दादा इसको चला रहे हैं, बहुत पुराना ही ट्राम है, इसमें कुछ बहुत रॉकेट साइंस नहीं लगा हुआ है, खाली इनके पास गियर है, ब्रेक है, और नीचे ये घंटी है, इसे बजाते हैं और रो ये रुक जाते हैं। इसकी खासियत ये है कि इसके आगे कोई भी गाड़ी चल रही है, बाइक चल रही है, अपने कैमरामैन से कहूँगा दिखाइए, ये देखिए गाड़ी भी इसके आगे चल रही है, बाइक भी इसके आगे चल रही है, जिसका मन आता है वो आगे निकल जाता है, जिसका मन आता है पीछे चल जाता है, जब मन होता है ये रुक जाता है, जैसे अभी ये रुक गया। देखिए ये यहाँ पर ये सवारी बैठने वाली है, ये 20 रोड पर रुक गया, और ये सिर्फ कलकत्ता में ही होता है, हिंदुस्तान के किसी शहर में ऐसी तस्वीर नहीं मिलेगी। ये दादा देखिए बैठ गए, अब जो भी जिसको रुकना होगा वो तुरंत घंटी बजाएगा, वो वहां पर रोक देंगे, और यहाँ पर जो इनके कंडक्टर मौजूद है, ये घंटी है, देखिए ये घंटी है, इसको जो भी आता है इस तरीके से बजा देता और ये रुक जाती है, जैसे मैंने बजाया ये रुक जाएगा, ये इस तरीके से यहाँ पर होता है, और बहुत सारे लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। दादा, चुनाव का वक्त चल रहा है, कैसा माहौल है चुनाव का यहाँ पर? चुनाव का माहौल तो यहाँ ठीक ही है, क्योंकि यहाँ पे जो आज परसों ही हमारे प्रधानमंत्री भी होके गए हैं, उससे पहले भी हमारे कांग्रेस, CPM और हमारे और एक पार्टी है FSI, तो तीनों मिल के वो भी ब्रिगेड किए थे, तो दोनों का ब्रिगेड में बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है। मगर यहाँ का एक पुरानी रिवाज है जो हमारे सेकुलरिज्म
सेकुलरिज्म जो पार्टी है वो हमारे यहाँ पर कायम रहते हैं, और जिस तरह से 34 साल हमारे CPM ने रहा है, उसी साल हम लोग चाहते हैं, उसी तरह के हम लोग चाहते हैं कि हमारे ममता बनर्जी इसी तरह से 34 साल रहे, क्योंकि यहाँ बहुत अच्छी काम कर रही और ये पूरा माहौल ममता बनर्जी का है। ठीक है, आप क्या कहेंगे इस चुनाव को लेकर? चुनाव को तो 2 साल पहले समय हो रहा है, आज हम लोग का देश पर प्रधानमंत्री बहुत अच्छा ईमानदार आदमी है। देखिए इसी तरीके से दादा कितने रुपए का टिकट काटते हैं आप? 6 रुपया 7 रुपया। कितने किलोमीटर होता है? 5-6 किलोमीटर। अच्छा, यानी आप देखिए कि 5-6 रुपए में होता है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँ आइए, जैसे देखिए ये मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ, ये हिंदुस्तान के दर्शकों को तस्वीरें दिखा रहा हूँ, अपने कैमरे में से कहूंगा कि नीचे आए। बिल्कुल, ये रोड पर इस तरफ दिखा रहे हैं, गाड़ियां चल रही है, और जाहिर सी बात है कि हिंदुस्तान एक्सप्रेस तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहा है, क्योंकि श्वेता भी हमारे से जुड़ चुके हैं। श्वेता, लगातार अलग अलग तस्वीरें हम दिखा रहे हैं किस तरीके से क्या चल रहा है और क्या सियासी गणित है, ये भी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम नंदीग्राम में आप हैं, नंदीग्राम की बात करते हैं। देखिए, क्योंकि 10 तारीख को यहाँ से अपना पर्चा दीदी भरेंगी, 12 तारीख को यहाँ से शुभेंदु अधिकारी अपना पर्चा भरेंगे, लेकिन अगर हम 2016 की यहाँ पर बात करें तो 1,30,35,000 वोटों से यहाँ पर शुभेंदु अधिकारी की जीत हुई थी, तब वो टीएमसी में थे। अब क्योंकि सियासी समीकरण बदल चुका है तो क्या लगता है, क्या कुछ होगा? मैं बड़ी खबर बता देते हैं अपने दर्शकों को, जहां शुभेंदु अधिकारी के लिए पीएम नरेंद्र मोदी उनके इलाके में रोड शो कर सकते, ये खबर हमने आपको बताई। लेकिन बंगाल चुनाव से जुड़ी एक और बड़ी खबर, 13 मार्च को बीजेपी संकल्प पत्र जारी करेगी, सूत्रों के हवाले से खबर है। खबर ये भी है कि आज टीएमसी अपनी ओर से संकल्प पत्र जारी कर सकती है, मैनिफेस्टो जारी कर सकती है। अमित शाह इस मैनिफेस्टो को जारी करेंगे, जो बीजेपी की ओर से संकल्प पत्र कहा जा रहा है। नंदीग्राम को लेकर हो सकता है कि इसमें बड़ा ऐलान किया जाए, नंदीग्राम एक हाई प्रोफाइल सीट है और इस बार यहां पर तमाम दिग्गज जो है राजनीतिक जोर आजमाइश करते हुए आपको नजर आएंगे। लेकिन 13 मार्च का वो दिन होगा जब बीजेपी अपना संकल्प पत्र जारी करेगी, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। और वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, बने रहिए जी हिंदुस्तान के साथ।